उत्तर प्रदेश जनपद बिजनौर के कोतवाली देहात पुलिस ने सादेपुर इलाके में सरापा व्यापारी से लूटने के प्रयास में व्यापारी को गोली मारने वाले चार लुटेरों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने इन अंतर्राज्यीय साथी लुटेरों से अवैध शस्त्र व चोरी की दो मोटरसाइकिल भी बरामद की है। क्या कुछ बता रहे हैं बिजनौर SP देहात, देखिए रिपोर्ट। देखिए 11 दिसम्बर को भोलेनाथ वर्मा, जो सादीपुर के रहने वाले हैं, बरुकी में जिनकी ज्वेलर्स की दुकान है, अपनी दुकान बंद करके घर को जा रहे थे। सायंकाल करीब 5 बजे उनके साथ जो है दो बदमाशों ने जो है उनका थैला छीनने का प्रयास किया। उस छीना झपटी में उनके बदमाशों द्वारा फायर किया गया, जो उनके पैर में जान पे लगी। इस संबंध में थाना कोतवाली देहात पे लूट के प्रयास का मुकदमा दर्ज हुआ था। इसकी विवेचना की गई तो इसमें विवेचना के दौरान चार लोगों का नाम प्रकाश में आया था, संजू सैनी, हेमंद उर्फ गोली उर्फ अनुज, भोला उर्फ टीटू और रिकुल का। इस पे हमारी पुलिस टीमें लगातार काम कर रही थी। कल सायंकाल ये लोग पुनः जो है उगरावाला में नेपाल सिंह की ट्यूबवेल के पास लूट की योजना बना रहे थे। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने वहाँ दबिश दिया और इनको गिरफ्तार करने का प्रयास किया। इनके द्वारा पुलिस पार्टी पर जान से मारने के नियत से फायर किया गया। पुलिस ने हिकमत अमली से इनको चारों को अरेस्ट किया। इनके कब्जे से दो मोटरसाइकिलें, जिसमें से एक CD डीलक्स जो मुखबिरी में प्रयुक्त हुई थी जो है ज्वेलर्स की घटना में, वो और एक अन्य स्प्लेंडर मोटरसाइकिल जो हरिद्वार से चोरी हुई है उसको बरामद किया। साथ ही इनके कब्जे से 2 अदद तमंचा, 2 अदद चाकू और जिंदा हुआ जो है खोखा कारतूस बरामद हुआ। इन पूछताछ पर इन लोगों ने बताया कि हम लोग जो है चोरी के वाहन जो होते हैं इनको आसपास के राज्य और जनपदों से चोरी करते हैं और उनका नंबर प्लेट बदल करके फिर उससे लूट की घटना कारित करते हैं। इस घटना में मैं बता दूं आपको कि एक जो अपाचे मोटरसाइकिल प्रयुक्त हुई थी इसको इन लोगों ने बिलारी के एक गुड्डू को बेचना बताया है 3,000 रुपये में। उस पर पुलिस काम कर रही है, उसको भी हम लोग शीघ्र ही बरामद करेंगे। तो ये एक सनसनीखेज वारदात हाईवे पर इन लोगों द्वारा कारित किया गया था, जिसको पुलिस टीमें जो गठित की गई थी उनके अथक प्रयास से इसमें कल कामयाबी मिली और ये चारों अभियुक्त गिरफ्तार हुए। और इस तरह से एक जो है जो इनके द्वारा घटना कारित की गई थी उसमें उसका अनावरण किया गया, इनको गिरफ्तार किया गया, इनको माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है और इसमें अन्य निरोधात्मक कार्रवाई भी हम लोग करेंगे। वैद्य बाबूराम वर्मा, 15 सालों का इलाज का भरोसा, हमारे यहाँ आयुर्वेदिक औषधियों के द्वारा सभी बीमारियों का सुविधाजनक इलाज किया जाता है, जैसे खांसी, सांस, दमा, बुखार, टाइफाइड, मलेरिया, पीलिया, बवासीर, सुगर, हेपेटाइटिस, खूनी बवासीर, पिरमे, स्वपन दोष, लघु शंका आदि का इलाज आयुर्वेदिक पद्धति द्वारा किया जाता है। इसके अलावा सभी बीमारियों की जांच भी तसल्ली बख्श की जाती है, जैसे अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, ECG, रक्त, मलमूत्र, वीर्य की जांच इत्यादि। हमारे यहाँ दिल्ली सरकार द्वारा टीकाकरण, TB का इलाज व जांच मुफ्त की जाती है। हमारा पता है वैद्य बाबूराम वर्मा, चैरिटेबल सोसाइटी, 329 गली नंबर 9, मंडोली एक्सटेंशन, नियर नंदनगरी बस डिपो के सामने, दिल्ली 93। आप हमारे नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर है 9211432902 9211478312 9910418312। आप हमारे चैनल पर भी दिए गए नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 8506973234।